हाँ तो दोस्तों, सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है सैमसंग का A32 और इसकी प्राइसिंग देख के मुझे लगा सैमसंग कौन सा नशा करके बैठा है। तो कैसे हो, सब सही है। तो आज मैं बात करने वाला है सैमसंग के A32 के बारे में और ये एक ऐसा फ़ोन है जो ओवर प्राइसिंग का भी लिमिट को क्रॉस कर चुका है। क्यों, कैसे और क्या मिलता है इस फोन के अंदर, वो आज हम लोग बात करने वाले हैं A32 के अंदर। मतलब ये एक ऐसा फोन है, मतलब किसको सजेस्ट करूं वो समझ नहीं आ रहा है। तो बस वीडियो में बने रहना, करना कुछ नहीं है, वीडियो को टिल द एंड देखना और एट द एंड आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलो फिर शुरू करें। हाँ तो भैया, आज सैमसंग का A32 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और फोन की प्राइसिंग सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 21,999 रुपए। तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, एक स्नैपड्रैगन का कमाल का प्रोसेसर, नहीं तो एक्सिनोस का एक एटलस अच्छा प्रोसेसर। लेकिन इसमें आपको देखने मिलता है, वेट बताता हूँ, पहले थोड़ा स्पेसिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं फ़ोन का ओवरऑल लुक कैसा है और क्या मिलता है फ़ोन के अंदर। तो देखो, लुक्स के मामले में फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बैक से बहुत ही कमाल का लुक है, लेकिन फ्रंट में आपको कोई भी पंच होल देखने को नहीं मिलता है। 22,000 रुपए का फोन है लेकिन इसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच देखने को मिलता है, सैमसंग का है। मतलब हाँ, एक्सपेंसिव कभी यहाँ पे तभी सीमा क्रॉस होने वाला है। 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। मतलब डिस्प्ले में मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है, सैमसंग का डिस्प्ले नो डाउट बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। साथ में कैमरा भी इस बार बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है, 64 MP का क्वाड कैमरा के साथ में आता है। देखो, कैमरा डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा OP है, मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का निकल के आया है। हाँ तो बात करते हैं बैटरी बैकअप के ऊपर, तो 5000 mAh की बैटरी है जो 15 W के चार्जर के साथ में आता है। इवन सैमसंग का ही एक फ़ोन है M51 जिसमें आपको 7000 mAh की बैटरी है, 23,000 से 24,000 में मिलता है और सेल में तो 20,000 में भी वो फ़ोन मिल रहा था। लेकिन ये A32 जिसमें आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इसके सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर के ऊपर जो है इस फ़ोन का प्रोसेसर। मतलब 22,000 रुपये में सैमसंग प्रोवाइड करता है G80 का प्रोसेसर। मतलब G80 सर, ये तो टट्टी है, समझ रहे हो। यहाँ पे 8,000 से 9,000 में इंडिया में फ़ोन ये मिलता है इस प्रोसेसर के साथ में, लेकिन सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है G80 का पावर, वो भी 22,000 के फ़ोन में। मतलब एटलीस्ट 732 दे देते, एटलीस्ट 720 दे देते, लेकिन नहीं, G80 इन्हें देना है। तो आप एज्यूम कर सकते हो फ़ोन कितना पावरफुल होने वाला है। नो डाउट फ़ोन में आपको बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ में मिल रहा है। मतलब हाँ, अच्छा खासा कैमरा है, अच्छा खासा डिस्प्ले है, लेकिन जिस प्राइसिंग में ये फ़ोन आता है वो इसकी स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाई एकदम नहीं करता है। साथ में इसमें कुछ एडिशनल फीचर मिल जाता है, मतलब नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है जो ए सीरीज का एक ट्रेडमार्क है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नॉक सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आपके फ़ोन को सिक्योर बनाता है। एंड्रॉयड 11 पे ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और इसमें UI 3.1 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। तो देखो, सभी कुछ अच्छा है इस फ़ोन का, मतलब कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो 22,000 रुपए के कीमत का नहीं है यार, सीरियसली। मतलब आप ही सोचो यार, 22,000 रुपए में यहां पे G80 मिल रहा है जो अभी रियलमी रेडमी वाले फोन्स आपको 10,000 के अंदर देते हैं। मतलब हाँ, सैमसंग को ये थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था, एटलीस्ट स्नैपड्रैगन का कोई 700 सीरीज का प्रोसेसर देता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन कुछ इस तरह का देखने मिलता है। अब बात करते हैं कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में, किन किन लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए और क्या है इस फ़ोन की अच्छा और ख़राब बातें। सबसे पहली बात, डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसे मैं प्रोज में रखना पसंद करूंगा। सैमसंग का डिस्प्ले नो डाउट बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा प्रोज है इस फ़ोन का कैमरा, कैमरा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ में इस फ़ोन का जो UI देखने मिलता है, UI 3.1, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ही अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस निकाल के दे देगा। तो UI भी आपको देखने मिलता है प्रोज के अंदर, 3 प्रोज हो गए। चौथा प्रोज है इस फ़ोन का नॉक सिक्योरिटी, मतलब हाँ, ए सीरीज जाना जाता है अपने प्रीमियमनेस के लिए जो आपको इस फोन में मिल रहा है, और डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स के ऊपर। सबसे पहली बात, इसमें चार्जिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मतलब 15 W का मिल रहा है जो मेरे को सही नहीं लगा। दूसरा इसका कॉन निकल क्या है, इस फ़ोन की बैटरी, मतलब 5000 mAh की बैटरी अब कॉमन हो गया है। सैमसंग अपने M51 में भी एटलीस्ट 7000 mAh का बैटरी दिया था और इवन F सीरीज के अंदर भी 7000 का बैटरी दिया था, लेकिन इसमें 5000 का दे रहा है। बात करते हैं अपने तीसरे कॉन के ऊपर, जो है इस फोन का डिज़ाइन। मतलब हाँ, फोन का डिज़ाइन बैक से तो बहुत ही ज़्यादा OP है, लेकिन फ्रंट से जो इसका डिज़ाइन है वो एक कॉन बनाया जाता है। मतलब इसमें जो आपको डिस्प्ले टाइप मिलता है वो है आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच वाला डिज़ाइन, जो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा है इस प्राइसिंग में। मतलब हाँ, 5 प्रोज है, 3 कॉन है, आपको कुछ इस तरह देखने मिलता है, लेकिन फिर भी आप इस फ़ोन को ले सकते हो। जी हाँ, मतलब अगर आप एक सैमसंग के फैन बॉय हो तो आप इस फ़ोन को बेझिझक लो, फ़ोन में खराबी नहीं है। लेकिन हाँ, फ़ोन का जो प्रोसेसर है इसके प्राइसिंग को जस्टिफाई नहीं करता है, मेरी बातों को समझो। फ़ोन का प्रोसेसर इसके प्राइसिंग को जस्टिफाई नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन हैंग करेगा, लैग करेगा, कोई आपको प्रॉब्लम दिखने मिलेगा, लेकिन हाँ, जिस प्राइसिंग में ये फ़ोन आता है उससे बेहतर फ़ोन आपको
मार्केट में अवेलेबल है उससे भी कम प्राइसिंग में, या मैं यही आपको कहना चाहता था। और ऑफकोर्स सैमसंग का फ़ोन है, ब्रांड वैल्यू की वजह से भी फ़ोन महंगा हो जाता है, और ये ए सीरीज़ का फ़ोन है इसलिए इसकी प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा ही हाई देखने मिलता है। लेकिन अगर इसकी प्राइसिंग 18,000 या 17,000 होता ना, तो नो डाउट मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 22,000 थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। हाँ, तो कुछ इस तरह का आपको सैमसंग का A32 निकल के आया, और ये साफ साफ एक ओवर प्राइज फ़ोन है। और आपका क्या थॉट्स है इस फोन के रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरा कमेंट कर देना। वीडियो में हल्का सा भी मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और घंटी बटन से बजा लेना, हाँ बहुत ही जरूरी होता है। तो वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर मुझसे बातें करनी हो, पर्सनल इंटरेक्शन करना हो, तो यहाँ पे आओ, इंस्टाग्राम आ रहा होगा। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते मिलते चल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।